ठीक है, जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे हम कहते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। तो एक नंबर इसमें कोई ऐसा होगा इन पूरे पूरे सीरीज में जो कि गलत लिखा होगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका लेके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज 4, 9, 16, 26 एंड 36, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो आप इसको आसानी से क्या कर, देखिए सिंपल सी चीज है, चाहे नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो, आपको हर बार एक ही चीज करनी होती है जो कि हमारा सोल ऑब्जेक्टिव होता है, वो है कि भाई आफ्टर ऑल चल क्या रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, कौन सी सीरीज चल रही है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप इस चीज को क्लियर समझिए कि आपको हर बार पैटर्न ही फाइंड आउट करना है, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो। तो यहां मैं सबसे पहले देखता हूं, मुझे कहीं पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। कभी भी आपको 3 नंबर्स दिखाई देते हैं ना, 3 नंबर, सॉरी ये 2, 3 और 4, तो ये यहीं पे आपका क्लियर हो जाता है कि भैया ये मेरा सीरीज यही चल रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे सर 5 का, सॉरी क्यूब लिखा गया है ये। अगर ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, तो सर आगे ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आना चाहिए। अब देख लीजिए कौन सा फॉलो कर रहा है, ये तो कर ही रहा था। इसके बाद यहाँ पे 25 आना चाहिए, लेकिन दिया हुआ कितना है 26, तो ये रॉन्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा 26। हियर वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, समझिए ये एक नंबर है, आप 0 पढ़ेंगे इसको, 0 नहीं लिखते, चलो ये एक नंबर है, इसके बाद एक नंबर है, इसके बाद ये नंबर है, ये नंबर, ठीक है। अब ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब आपने इसको फाइंड आउट करना शुरू किया कि कौन सा नंबर गलत है। तो जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि इज इट दैट नंबर इटसेल्फ सीरीज। नंबर इटसेल्फ सीरीज मतलब क्या होता है कि सीरीज में जो नंबर्स दिए हुए हैं, आप सिर्फ उन नंबर्स को देख के ये अंदाजा लगाते हैं कि सीरीज में क्या चल रहा है। जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है सपोज कि 4, 9, 16, 25, 36, 49, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ इन नंबर्स को आप देखते हैं और आप अंदाजा लगा लेते हैं। आप इसमें ये नहीं देखते कि इसके बाद ये क्यों आया, इसके बाद ये क्यों आया, क्या करने से आ रहा है ना, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करते। आप क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को देखते हैं बस, और आप फाइंड आउट करते हैं कि सर ये 2 का स्क्वायर है, ये नंबर ये 3 का स्क्वायर है, ये नंबर ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। मतलब आपने सिर्फ नंबर को देखा और एनालाइज किया कि सर ये है ना, तो इसको हम कहते हैं नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो जब नंबर इटसेल्फ आएगा तब तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा नंबर बीच में गलत दिया हुआ है ना, विच वन इज द रॉन्ग नंबर, वो आपको नंबर को देख के समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी पहली चीज हो गई। इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे क्या, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस लेते हैं हम लोग, है ना, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो जैसे हमने डिफरेंस लिया, सपोज ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है, ये दिया है, ये एक नंबर 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 है और ये एक नंबर है, ठीक है। अब आपने इनका डिफरेंस लिया, सपोज आपको नहीं दिख रहा है कि ये नंबर इटसेल्फ सीरीज, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, इस तरह से आप क्या करते हैं, हर बार डिफरेंस लेते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था कि सर हमने इस तरह से क्या किया, डिफरेंस लिया है, और डिफरेंस लेने के बाद क्या हुआ है सर, यहाँ पे एक नंबर आया, यहाँ पे एक नंबर आया,
यहाँ पे एक नंबर आया, आपके कुछ रिजल्ट्स आएंगे ना डिफरेंस लेने के बाद, तो ये आपके डिफरेंस आ गए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली यहां पे आपने क्या करना है, पहले दो चीजें समझिए कि ये आप समझो यहां पे कुछ फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न आया डिफरेंस लेने के बाद आपको कोई पैटर्न दिखा। जैसे यहां पे सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सर यहां पे फोर, सॉरी यहां पे सर एट आया है, ठीक है, और यहां पे 27 आया है, और यहां पे क्या आया है तो आपके यहां पे 64 आया है, और यहां पे 125 आया है, और यहां पे सर 2 आया है ना। ये आपने देखा ऊपर कुछ नंबर्स थे, ये आपके कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, आपने क्या किया इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद ये नंबर आए, ठीक हाँ, और ये नंबर हम सपोज कर रहे हैं कि ये ऐसा आपका डिफरेंस आ रहा है, समझो, ठीक है। तो ये आने के बाद मुझे कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये 2 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। ये क्या होना चाहिए फिर इस पैटर्न के हिसाब से, ये क्या होना चाहिए सर, ये 1 का क्यूब आना चाहिए, लेकिन आया कितना है यहाँ पे 2 आया है, मतलब ये क्या है आपका रॉन्ग नंबर है, दिस इज योर रॉन्ग नंबर। अगर इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर यहां पर आपको दिया है कि ये अगर आपका रॉन्ग नंबर है, इफ दिस इज योर रॉन्ग नंबर विच इज नॉट फॉलोइंग द पैटर्न, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ये देखिए, ये आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आपका गलत आ रहा है, बाकी सब तो फॉलो कर रहे हैं सर ये, लेकिन यही ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की सीरीज का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो है ये आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद आपने देखा कि सर डिफरेंस लेने के बाद ये जो 2 था 3 था 4 था ये तो पूरा फॉलो कर रहा था, यहाँ पे 1 का क्यूब आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, मतलब वो रॉन्ग है, मतलब आपके डिफरेंस का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला गलत दिखा रहा है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट वाला रॉन्ग है तो आपका इधर से एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने कहा कि सर यहां पे पैटर्न जो है यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह से चल रहा है सर कि ये 1 है, ये 4 है, और ये 9 है, और ये 16 है, और ये 24 है, तो आपने इसको फाइंड आउट किया तो आपको क्या दिखा, आप बोलोगे सर ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो यही सीरीज चलनी चाहिए, तो यहाँ पे कायदे से क्या आना चाहिए 5 का स्क्वायर मतलब 25, और यहाँ पे है कितना 24, मतलब ये क्या है मेरा रॉन्ग नंबर है, मतलब ये जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो ये एक्सट्रीम राइट वाला है, अगर एक्सट्रीम राइट वाला फॉलो नहीं कर रहा है तो इधर का एक्सट्रीम राइट क्या होगा आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस में जो आपका पैटर्न आया उसमें देखा कि आपका नीचे का एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट वाला रॉन्ग नंबर हो जाएगा। आपने डिफरेंस लेके नहीं निकाला और एक्सट्रीम राइट वाला अगर रॉन्ग नंबर है तो आपका एक्सट्रीम राइट वाला आपका ये जो है वो रॉन्ग नंबर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गए थे। अब क्या है यहां पे ऐसा है कि सर यहां पे जो पैटर्न आए हैं ना, जो यहां पर पैटर्न आ रहे हैं उसमें क्या है कि सर ये वाला मेरा फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है, लेकिन ये और ये फॉलो नहीं कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं कि सर यहां पे जो है ना ये आपका समझ लो 4 है,
ठीक है, और ये 16 है और ये 36 आ रहा है, ठीक है, इसके बाद जो है ये 62 आया है, ठीक है, और ये जो है वो 83 आया है, ठीक है, 83 आया है। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें क्या हो रहा है ना कि ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये चलना चाहिए 2, 4, 6, तो आगे आना चाहिए था 8 का स्क्वायर और इसके आगे आना चाहिए था 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा गड़बड़ कर रहा है? आप बोलोगे सर ये दोनों गड़बड़ कर रहा है, ये दोनों गड़बड़ कर रहा है ना, ये दोनों गड़बड़ कर रहा है। तो जब भी दो नंबर्स गड़बड़ करें, जब भी दो नंबर्स जो हैं वो मैच ना हो, तब हमारा आंसर क्या होता है? तो देखिए ये एक नंबर था और ये एक नंबर था, इसके आप डायगोनल एक पिरामिड बनाइए और यहां जो आएगा ये आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो दो गड़बड़ करते हैं ना, ये कभी भी साथ साथ में होते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और ये मैंने इसका सपोज मैंने इसका डिफरेंस लिया है, ये डिफरेंस लिया है मैंने इसका, ठीक है, डिफरेंस लेने के बाद यहां पे मेरे नंबर आए हैं कुछ, तो इसमें क्या होता है जो दो नंबर्स आते हैं ना वो कभी भी आजू बाजू के ही होंगे, मतलब ये और ये गड़बड़ करेगा, ये सब सही है, या फिर ये और ये गड़बड़ करेगा, बाकी सब सही चल रहा होगा, और अगर बीच में करता है तो भी ऐसा हो सकता है कि ये और ये गड़बड़ करेगा, सर ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। तो इससे एक चीज हमने क्या डिराइव की कि ये जो दो गड़बड़ करने वाले हैं ये हमेशा आजू बाजू में ही होंगे, साथ में ही होंगे, है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर ये गड़बड़ है और ये गड़बड़ है, ये सही है और ये सही है और ये सही है। ये जो पैटर्न है ऐसा कभी नहीं होता है, सो ऑलवेज ऐसा कभी नहीं होगा पैटर्न, ठीक है, इस तरह से पैटर्न कभी नहीं होता है, मतलब ये जो है कि भैया सर एक यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, बीच वाला सही है, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है ना। जब भी दो चीजें गलत होंगी नीचे की तो वो हमेशा ये आसपास ही रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई कॉन्सेप्ट की, ठीक। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो आज डायरेक्टली हम क्या करते हैं, रॉन्ग नंबर के क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट, क्या हो रहा है देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज 369 चलिए इस इन क्वेश्चंस को आप देखिए एक बार एंड ट्राई टू सॉल्व इट, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए Try to find out कौन सा इसमें wrong number है first वाले में।
चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। सर मैंने देखा ये नंबर क्या है, ये 369 है, ये 369 है, ये 377 है, 394 है, और 419 है, 455 है, 504 और 568, ये सर बढ़ रहा है नंबर, है ना। ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब क्या है सर, ये एडिशन का लग रहा है मुझे, है ना, एडिशन का लग रहा है, एडिशन का सीरीज। तो एडिशन का सीरीज लग रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमने, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करें, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे सर इसका डिफरेंस लेते हैं। चलो आपने इसका डिफरेंस लिया, कितना आया देखिए, 77 और 69, आप बोलोगे सर ये कितना आया, 8, ठीक है। 394 में से ये 7 गया, ये 7 आ गया, और ये 1 आ गया, 17 आ गया, ठीक है इतना। चलो इसके आगे लेते हैं, तो 9 में से ये गया 5, और 41 से ये बचा 2, 25 आ गया ना। इसके आगे लेते हैं तो 15 में से 9 गया तो 6 आ गया, और ये 3 आ गया, ठीक है 36 हो गया। इसके आगे करते हैं सर कितना आएगा, तो आप कहोगे 14 में से 5 गया तो ये 9 आ गया, और ये 49 आ गया। इससे करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, है ना। तो आपने नीचे क्या देखा पैटर्न में, कि सर ये 8 है, 17 है, ये 25 है, 36 है, 49 है, 64 है। ये देखते ही आपको क्या होना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। आप बोलोगे सर ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। तो सर जब इतना 5 6 7 8 चल ही रहा है तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर होना चाहिए और 3 का स्क्वायर होना चाहिए ना। यस, मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये आपका क्या होना चाहिए था, आप बोलोगे सर ये नंबर 9 होना चाहिए था और ये नंबर 16 होना चाहिए, है कि नहीं। ये नंबर 9 होना चाहिए और ये 16 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, ये दोनों गड़बड़ है। कौन से दोनों गड़बड़ है, आप बोलोगे सर ये गड़बड़ है और ये गड़बड़ है, देखो दोनों साथ में आए कि नहीं। और अगर ये दोनों गड़बड़ है तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या करना है, हमने एक पिरामिड बनाना है इन दोनों से लेके। तो आप पिरामिड बनाएंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा, मेरा रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये मेरा रॉन्ग नंबर हो गया, विच इज 377। आपने अगर क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे कर सकते हो क्रॉस चेक, बहुत आसान है क्रॉस चेक करना। सर अगर ये 9 होता तो इसमें आप क्या करते, इसमें प्लस 9 ऐड करते, है ना, आप इसमें 9 ऐड करते तो ये कितना आ जाता, आप बोलोगे सर ये 378 आ जाता। फिर इस 378 में आप 17 ऐड करते, है ना, बराबर है, सॉरी 17 नहीं, 17 तो गलत है, ये 16 वाला राइट, 16 ऐड करते, तो आप इसमें 378 में 16 ऐड करते तो मेरा 394 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों रॉन्ग है, तो ये मैंने सर एक बनाया है सपेरा में, और जो बीच वाला नंबर होगा वही मेरा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। क्लियर है, ये रॉन्ग नंबर उतना डिफिकल्ट है नहीं, बच्चे बच्चे लोग उसको बहुत डिफिकल्ट ऐसा प्रिटेंड करते हैं, डिफिकल्ट नहीं, आपने सिर्फ हर बार पैटर्न ही ढूंढना होता है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए सेकंड वाला, सेकंड वाला ट्राई करें। टू पॉइंट वन, अरे पॉइंट नहीं है वो, 2 पॉइंट नहीं बच्चे, ये तो ये ऐसा है ना बेटा, ये तो कॉमा है, ये अब क्या करना था, कुछ नहीं, इसमें भी आपको पैटर्न देखना था। पैटर्न अगर आपने देखना शुरू किया, देखिए
आप पहले नंबर से भी पैटर्न ढूंढ सकते हैं, है ना। अगर आपने पहले नंबर से पैटर्न ढूंढने का ट्राई किया तो मैं देखता हूं कि 0.5 से, है ना, ये मैं इसको 0.5 से 2 कैसे आएगा, तो बोलोगे सर आप या तो प्लस 1.5 हो रहा होगा तब 2 आएगा, या फिर इनटू 4 करेंगे तब 2 आएगा, है ना। तो अगर इसमें प्लस 1.5 होता तो इसके आगे क्या हो रहा था, तो आप बोलोगे सर इसके आगे माइनस 1.5 हो रहा है, और इसके आगे क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो प्लस 3 हो रहा है, तो ये वाला तो कहीं से भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। हाँ ये गड़बड़ हो गया। चलो दूसरा देखा था हमने वो कि सर ये इंटू 4 होता है, इंटू 4 होगा तो 2 आएगा, फिर 1 आ रहा है मतलब ये तो डिवाइडेड बाई 2 हो सकता है, तब 1 आएगा, तो इंटू 4 डिवाइडेड 4, इसके आगे क्या हो रहा है, आप लोग सर इसके आगे इंटू 4 हो रहा है, 1 इंटू 4 हो रहा है ना, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो इसके आगे डिवाइड बाई 2 होना चाहिए था, वो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो सर ये भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहले नंबर से ट्राई किया खोजने का, तो क्या आपको क्या दिखा कि सर ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी नंबर सीरीज में इट इज नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी कि आपको पहले नंबर से ही देखना है, स्पेशली जब आप रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हैं। जब आप रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हैं तो आपको पहले नंबर से ही हर बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीच में से कहीं से भी देखिए ना, आपको दिखेगा कुछ तो दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, चलिए अगर मैंने यहाँ पे देखा कि सर ये 1, 2 के बाद 1 जो था, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो यहां से यहां तक हम लोग कुछ नहीं पकड़ पा रहे थे, है ना, तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं 1 के बाद 4 कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर 1 इंटू 4 किया तो 4 आता है, बराबर है ये, 4 के बाद 32 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 8 किया तो आता है क्या 32, हाँ आता है, है ना। हाँ अब ये इंटू 4 है, ये इंटू 8 है, तो या तो हो सकता है कि यहाँ टेबल चल रहा हो, है ना, टेबल चल रहा हो तो यहाँ पे इंटू 12 आना चाहिए, और अगर टेबल नहीं चल रहा हो तो क्या चल सकता है, आप बोलोगे सर ये इसका डबल हो रहा है तो इधर भी इसका डबल होना चाहिए, तो इंटू 16 आना चाहिए, देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है ना। इंटू 12 करेंगे इसको, 32 इंटू 12 करेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 2 है तो ये तो नहीं हो रहा है, 16 करेंगे तो 6 2 12, यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, इसको कर लेते हैं 16 टाइम, 32 इंटू 16, अच्छा 32 इंटू 16 करना कितना आसान है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये मैंने आपको कैलकुलेशन की ट्रिक में बताया है। देखिए अगर आपको करना है 32 इंटू 16 तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर 32 का मतलब होता है 16 इंटू 2 और इसके आगे है 16, है कि नहीं, बराबर है ना ये, तो ये आप इसकी जोड़ी बना लीजिए 16 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो सर 256 इंटू 2, आपको इसका डबल करना है, 250 का डबल 500, 6 का डबल 12, तो ये 512 है, ये आ रहा है क्या, आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ क्या फॉलो कर रहा है, आप बोलेंगे सर इंटू 16, मतलब यहाँ इंटू 4 था, इंटू 8 था, इंटू 16 करने से ये आया है, तो इसमें सर इंटू 32 करने से ये आएगा आपका क्या, ये आएगा, आएगा क्या इंटू 32 करने से, देखो 500 है, ये 30 है, 12 36 3 एंड 2 2 4, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहा है। तो अब हम जाते हैं यहाँ से पीछे, है ना, पीछे जाते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है, आप बोलो सर ये इंटू 4 हो रहा है, उसके आगे इंटू 8 हो रहा था, उसके आगे इंटू 16 हो रहा था, उसके आगे इंटू 32 हो रहा था, ये मेरा पैटर्न चल रहा है। अगर ये मेरा पैटर्न चल रहा है तो भाई आगे जाने पे डबल हो रहा था तो पीछे आने पे क्या होगा, आप बोलोगे हाफ होगा, है ना, आगे जाने पे अगर डबल हो रहा है तो पीछे आएंगे तो क्या होगा, हाफ होगा, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये 2 का हाफ कितना होगा इधर, तो बोलोगे इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये होना चाहिए था क्या इंटू 2 और इधर होना चाहिए था इंटू 1, तो कौन कौन सा गड़बड़ है, आप बोलोगे सर ये देखो ये दोनों गड़बड़ है, इंटू 2 और इंटू 1, मतलब आजू बाजू के दो गड़बड़ है ना। हाँ तो देखो इसमें अगर इंटू 1 करते हैं तो कितना आना चाहिए था, इसमें इंटू 1 करते तो ये सर 0.5 आता, और फिर इसमें इसमें इंटू 2 करते तो कितना आता, तो आप बोलेंगे 1 आता,
तो गड़बड़ कौन सा हुआ? आप कहेंगे सर गड़बड़ करने वाला जो आदमी है वो यही। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस बीच से देखा, ट्राई किया, हमको मिल गया पैटर्न। पैटर्न मिला तो हम इसके पीछे आए, पीछे आए तो देखा सर ये इंटू फोर तक तो सही चल रहा था, ये इंटू टू होना चाहिए था, ये इंटू वन होना चाहिए, इन दोनों को देखा तो ये इंटू वन होना चाहिए, तो भाई इसमें इंटू वन करेंगे तो ये आना चाहिए, फिर इसमें इंटू टू करेंगे तो ये आना चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, गड़बड़ कौन सा है? आप बोलेंगे ये वाला। तो दिस इज योर रॉन्ग नंबर, टू इज योर रॉन्ग नंबर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राई कीजिए इसको। चलिए चल ट्राई करेंगे इसको, कितना आ रहा है? ट्वेंटी के वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब इसको देखते हैं भाई क्या है, क्यों है ऐसा। सर 4 से 5.1, 5.1 से 7.3, फिर 10.6, फिर ये 1, 15, फिर 20, फिर 27.1। देखो पॉइंट 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 में आ रहा है ना, और नंबर रैंडम से, यहाँ पे 0.5, 0.25 या 0.75 नहीं है, तो ये 0.5 सीरीज वाला नहीं है ना। हाँ ये वो वाला नहीं, तो क्या करेंगे इसका, सबसे नंबर रैंडम से तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लिया तो क्या दिख रहा है अपने को? आप बोलोगे सर डिफरेंस लेने के बाद इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना, लोगे 1.1, 1.1 आ रहा है क्या? यस बिल्कुल आ रहा है, प्लस 1.11 हो गया, इसके आगे प्लस 2.2 हो रहा है, ये भी सही है, इसके आगे प्लस 3.3 हो रहा है, अरे सही हो गया, पैटर्न मिल गया। तो इसके आगे क्या होना चाहिए, इसके आगे 4.4 होना चाहिए, और इसके आगे 5.5 होना चाहिए, और इसके आगे प्लस 6.6 होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर होना चाहिए तो भाई देखें कौन सा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन क्या कर रहा है। चलो देखते हैं सर, ये तो 2.2 हो रहा है, ये 3.3 हो रहा है, इसमें 4.4 किया तो 15 आ रहा है, ये भी बराबर है, इसमें 5.5 किया तो कितना आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर इसमें 5.5 किया तो कितना आना चाहिए, 20.5 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 20, तो भाई यही गलत हो गया, और क्या है ना, यही क्या हो गया आपका रॉन्ग नंबर हो गया। भाई सब फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो करना चाहिए था, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है इसलिए तो 20 आ रहा है ना। अब देखो ये भी नहीं कर रहा है तो
और 20 में 6.6 करेंगे तो 26.6 आता, ये भी नहीं कर रहा है। अगर आप दूसरे पे में देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि सर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो इसका आपने क्या बनाया, पिरामिड बनाया, तो ये 20 नंबर क्या हो गया मेरा, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, ठीक है ना, सॉरी रॉन्ग नंबर हो गया, डन। चलिए दूसरा देखें, दूसरे का क्या है, दूसरे में देखिए क्या है, फाइव है, फाइव के बाद क्या है, सिक्स है ना, फाइव के बाद क्या है, सिक्स है, फाइव के बाद अगर सिक्स है तो ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये कंसेक्यूटिव नंबर है, और कंसेक्यूटिव नंबर का सबसे अच्छा जो मैंने आपको बताया था तरीका वो क्या था, कि सर जब भी कंसेक्यूटिव नंबर दिखाई देते हैं ना तो एक ही पैटर्न चलता है हमारा, यूजुअली 95% टाइम एक पैकेट चल एक ही चलता है पैटर्न, वो क्या होता है, वो इंटू वन प्लस वन होता है ना। हाँ तो इंटू वन प्लस वन करते हैं, चलो फटाफट इसको करते हैं, तो ये हो रहा है सर इंटू वन प्लस वन ना, इससे आपका आ जा रहा है मेरा नेक्स्ट नंबर, इसके आगे सिक्स के बाद 14 आने के लिए क्या इंटू टू प्लस टू हो रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर इंटू टू प्लस टू हो रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो फिर सर ये पैटर्न तो ऐसा ही होना चाहिए, इंटू थ्री प्लस थ्री ये भी फॉलो कर रहा है क्या, हाँ सर ये भी फॉलो कर रहे हैं, तो बात खत्म हो गई, इसके बाद आना चाहिए इंटू फोर प्लस फोर, इसके बाद आना चाहिए इंटू फाइव प्लस फाइव, और इसके बाद क्या आना चाहिए इंटू सिक्स प्लस सिक्स, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, देख लीजिए है ना कहाँ तक फॉलो करता है कहाँ पे नहीं फॉलो करता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसके, बस हाँ बस वही है, ठीक है चलो देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है सर, इसमें इंटू फोर प्लस फोर करने पर आ रहा है क्या, ये आप कहेंगे सर हाँ आ रहा है, तो सर इसमें इंटू फाइव प्लस फाइव करने पे आएगा क्या, आप खुद ही सोचिए, फाइव से इंटू करोगे तो कितना होगा, फोर फाइव या 20, तो यूनिट डिजिट हो गया जीरो, उसमें प्लस फाइव करोगे तो यूनिट डिजिट में फाइव आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यही मेरा रॉन्ग नंबर है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, हाँ हाँ अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहें तो समझ में आएगा कि सर इसमें अगर इंटू फाइव प्लस फाइव किया तो कितना होगा, तो देखिए 18 90 हो गया और ये 920, ये आना चाहिए आपको कितना 925 आना चाहिए था कायदे से, लेकिन आया क्या, नहीं आया, तो ये 920 आया, तो यही क्या हो गया मेरा रॉन्ग नंबर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चल सो इस तरह से आपको हर बार, देखिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि हर बार आपने एक ही काम करना है, वो क्या है, आपको पैटर्न ढूंढना है, बस सिंपल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसमें देखिए जरा क्या है, कौन सा रॉन्ग नंबर है हमारा,
कुछ बन रहा है इसमें। देखिए हर बार एक ही चीज करनी होती है, और क्या होती है, वो पैटर्न ढूंढना है बस। 10 से 22 आ रहा है ना, 10 से 22 आ रहा है, और 22 से 35 और 50, 68, तो ये क्या हो रहा है, ऐड ही हो रहा है ना। हाँ एडिशन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए नंबर छोटे छोटे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। एडिशन हो रहा है तो करके देख लेते हैं सर, डिफरेंस ले लेते हैं इनका कितना आएगा। आप बोलोगे सर 12 आ गया, इनका ले लेते हैं कितना आएगा, वो सर 13 आ गया, इसका लिया तो कितना आया 15 आ गया, इसका लिया तो कितना आया, आप बोलोगे सर 18 आ गया, इसका लिया तो कितना आया 24 आ गया, और इसका लिया तो ये 11 में ये 25 आ गया। देखो अब मेरे को यहीं पे ना क्या होता है बताओ, देखो आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी खेलना होता है। स्मार्ट कैसे, यहीं से दिख रहा है सर ये सब, तो ये दिख रहे हैं मुझे है ना, ये इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, मतलब ये एक आपको एक इंडिकेशन होता है कि सर यहाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं तो चलो इसको देख लेते हैं क्या हो रहा होगा, सर गड़बड़ है कि नहीं, आप अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आप बोलोगे +1, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आप बोलोगे +2, और यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है +3। तो यहाँ से यहाँ देखो +1 +2 +3, तो सर यहाँ क्या होना चाहिए +4, और यहाँ क्या होना चाहिए +5। 18 + 4 कितना होता है 22, यहाँ पे कितना है 24, ये गड़बड़ है। 24 में +5 हो गया कितना आना चाहिए था 29, यहाँ पे कितना है 25, तो ये भी गड़बड़ है। अब जब भाई दो गड़बड़ हो गए तो मेरा आंसर कौन सा होगा, आप बोलोगे सर इसका और इसका पिरामिड बनाएंगे, ये 92 इज माई रॉन्ग नंबर, ये मेरा रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है हाँ जी, सो इस तरह से आपको हर बार एनालाइज करना है, सब जगह आपने पैटर्न ही देखना है, चाहे वो कोई सी भी नंबर सीरीज हो। इसके लिए आपके टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब और वो जो फैक्टर्स करते हैं, मल्टीपल्स जो है वो आपको दिखने चाहिए, एडिशन जो हो रहा है उसमें एक सिमेट्री देखना आना चाहिए, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, और ये आ जाएगा जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 158, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला देखें। चलिए यहाँ पे क्या करें, नंबर 5, 18, 34, 54, हाँ यहाँ पे भी आपका नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे सर इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस लिया तो कितना आ गया, बोलोगे ये 13 आ गया, ये 16 आ गया, ये 20 आ गया, 25 आ गया, 31 आ गया, ये बराबर है ना। ठीक है चल, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सर यहां से यहां देखा तो कितना हो रहा था +3 हो रहा था, इसके आगे यहां से यहां कितना हो रहा है तो +4 हो रहा है, इसके आगे क्या हो रहा है +5 हो रहा है, इसके आगे क्या हो रहा है +6 हो रहा है, सब तो सही चल रहा है, गलत कहाँ है, इसके आगे क्या होना चाहिए +7 होना चाहिए ना, इसके आगे क्या होना चाहिए +7 होना चाहिए, 31 में +7 करते तो कितना आता 38, आ कितना रहा है 48, अगर 48 आ रहा है तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया इधर गलत आ रहा है, अकेला है और एक्सट्रीम राइट में है तो एक्सट्रीम राइट क्या होगा, मेरा सही जवाब हो जाएगा, रॉन्ग नंबर वुड बी 158। ठीक है ये चल।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए देखिए जरा, सॉरी अब देखिए इसको अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है, कहेंगे सर 1 2 3 ना, वन टू थ्री, वन के बाद टू है, कंसेक्यूटिव नंबर है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर कंसेक्यूटिव नंबर तो है। और जब भी कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो हम क्या ये करते हैं कि इंटू वन प्लस वन चलता है सर, है ना? तो देख लेते हैं इंटू वन प्लस वन चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट? चलो तो सर इसमें अगर इंटू वन प्लस वन किया तो ये आ रहा है बराबर है, लेकिन इसके आगे इंटू टू प्लस वन किया तो ये नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए सर? तो कुछ और हो सकता है, देखो क्या हो सकता है। इंटू टू, इसमें अगर इंटू टू किया तो कितना होता है 4, लाना कितना था 3, तो ये इंटू टू माइनस वन नहीं हो सकते थे, है कि नहीं? हाँ बराबर है ना, यस, ये इंटू टू माइनस वन हो सकता है सर, बिल्कुल इंटू टू माइनस वन हो रहा है। मतलब क्या देखा हमने कि सर यहाँ पे इंटू वन प्लस वन हो रहा था, ये माइनस वन हो रहा था, है ना? और ये वन है, वन के बाद टू है, सर इसके आगे जो है वो कायदे से चलना क्या चाहिए? तो आप बोलोगे इंटू थ्री प्लस वन, इसके आगे इंटू फोर माइनस वन, उसके आगे इंटू फाइव प्लस वन, और उसके आगे इंटू सिक्स माइनस वन, इस तरह से चलना चाहिए कायदे से। कहाँ तक फॉलो हो रहा है वो देखना है अपने, है ना? हाँ चलो देखते हैं क्या क्या फॉलो हो रहा है। तो आप कहोगे सर इंटू थ्री 9 हो गया, प्लस 1 10, हाँ ये फॉलो कर गया। इंटू 4 40 होता है, माइनस 1 39, हाँ ये भी हो, है ना? प्लस 1, देखो 9 5 45, प्लस 1 46, मतलब यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, मतलब क्या नहीं आ रहा है? आप बोलोगे सर यही वाला जो है वो ज्यादा नाटक कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा। अच्छा अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर ये इंटू 5 प्लस 1 होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए? आप बोलोगे सर ये 196 होना चाहिए ना, 196 होना चाहिए, तो सर 196 में इंटू 6 कर लो तो 6 6 36, माइनस 1 यूनिट डिजिट में 5, देखो ये आ रहा है सर, ठीक है ना? तो 194 क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है? So, इसी तरह से रॉन्ग नंबर में आपको हर बार चीजों को देखना है और एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। और रॉन्ग नंबर से लोग बहुत घबराते हैं, घबराने की जरूरत थोड़ी है, घबराने की बात नहीं है इसमें। आप एकदम ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए, क्योंकि कैसा भी नंबर सीरीज हो आपने हर बार क्या ढूंढना है, तो वो होता है पैटर्न। यू हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न ओनली एवरी टाइम, है ना? कि सर ये प्लस हो रहा है क्या, ये बढ़ रहा है क्या, अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मल्टीपल्स में बढ़ रहा है क्या, 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, या इसका हाफ हो रहा है, 1/3 हो रहा है ना? और डेसिमल वाला जब भी आता है तो दो चीजें होती है भाई उसमें, या तो प्लस हो रहा होगा, प्लस माइनस हो रहा होगा, या फिर क्या होगा, 0.5 से,
पॉइंट फाइव जो सीरीज है उसके मैं स्पेशली आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार हम नंबर सीरीज का एक और पूरा क्लास लेंगे अभी, और नंबर सीरीज की क्लास अभी लेंगे फिर से थोड़ी देर में। तो इस तरह से आपको नंबर सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि भाई क्या चल रहा है ना। हाँ, तो इस चीज पे आप हमेशा ध्यान देंगे कि क्या चल रहा है। जो नॉर्मल नंबर सीरीज हमने देखी थी उसमें भी वही चीज थी, और जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसमें भी वही चीज है। इसके मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए हैं, इन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब भी आप डिफरेंस लेते हैं, और अगर आपके डिफरेंस का जो पैटर्न है उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट वाला गड़बड़ कर रहा है, तो आपके सीरीज का एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा, और अगर एक्सट्रीम राइट वाला गड़बड़ कर रहा है तो आपके सीरीज का एक्सट्रीम राइट वाला आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा, और अगर बीच में नीचे आपके लिए हुए डिफरेंस में कोई दो गड़बड़ कर रहे हैं तो वहां से एक पिरामिड बनाएंगे और उनके जो बीच का नंबर आएगा ऊपर वो आपका रॉन्ग नंबर होने वाला। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नंबर सीरीज हो या क्वाड्रेटिक हो या आपका सिंप्लीफिकेशन हो, स्पीड मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, इसमें अगर आपको महारत हासिल करनी है आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने होंगे, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक ही तरीका है उसका, और वो है कि आपको टेबल्स एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्यूब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और आपको पावर्स अप टू फाइव की वैल्यू याद होनी चाहिए, परसेंट टू फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एक बहुत छोटी सी चीज है वो आप एक बार करके देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बेस्ट काम करता है। वो ये है कि टू से लेके 30 तक के, मिनिमम 30, 25 to 30 तक के नंबर्स को ना मल्टीप्लाई कर करके देखते रहिए बार बार। देखिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो एक बार समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे 9 into 12 या फिर 11 into 30, इसके तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, चलो 11 into 15 या फिर 11 into 16, अरे सॉरी ये तो 11 ही हो गया, आप तो फटाक से कर लेंगे, स्मार्ट है सब लोग। 12 into 15 या फिर मैंने बोला ये इधर आया 12 into 16 या फिर बोला 13 into 18 है ना, हाँ 14 into 17, 21 into 25, 22 into 27, ये जो 30 तक के नंबर है ना, दो दो नंबर दो दो नंबर, इन सबको मल्टीप्लाई कर करके देखते रहा करिए। इससे क्या होगा, ये जो नंबर्स है ना ये आपको दिखने लगते हैं, और इनसे बना हुआ नंबर भी क्या होता है आपको याद हो जाता है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। छोटे छोटे नंबर, ज्यादा बड़े नंबर नहीं, छोटे छोटे नंबर्स है ना। हाँ, और इसी तरह से 9 से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब भी आपका डबल करना, हाफ करना, 3 times करना, 4 times करना, 5 times करना, 9 से मल्टीप्लाई करना, ये सब आपको बहुत फास्ट होना चाहिए। और इसके लिए हमने जो एक बार डिस्कस किया था कि सर यूनिट डिजिट 10 digit इसको क्या करते हैं, हम बाइफरकेट करते हैं और वो निकालने के बाद उसको वापस से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डेली कीजिए, आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डन,